हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप यूएस टैक्स इनपो भरने के लिए नहीं जानते हैं तो उसको आप कैसे भर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर के करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे एडसेंस, इसको डेस्कटॉप साइड में वाला इसको ऑफ कर देते हैं और यहाँ पर एडसेंस पर क्लिक करना है। हम क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर गेट स्टार्ट, अब यहाँ पर जो भी आपका ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी आपको सेलेक्ट कर लेना है जिसे एडसेंस बनाए हुए हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीन लाइन जो ऊपर में आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेमेंट इन्फो पर आपको क्लिक करना है। अभी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यूर अर्निंग $00 बता रहा है। यहाँ पर एडसेंस इंडिया जो है इसको यूट्यूब इंडिया पर सेलेक्ट कर लेना है। अब ऊपर में जो आपको शो कर रहा है इस एरो पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको मैनेज टैक्स इन्फो का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर एड टैक्स इन्फो जो आपको शो कर रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि 15 से 20 मिनट के पहले ही आपको फॉर्म फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट फॉर्म पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आपका जो भी मेल आईडी का पासवर्ड वो आपको पासवर्ड यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पेज लोडिंग हो रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों इंडिविजुअल पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर नो पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पर दोस्तों W8BN इस पर आपको क्लिक करना है। अब स्टार्ट W8BN फॉर्म पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर पेज लोडिंग हो रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों आपका कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका कंट्री है। तो हम इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों फॉर रीजन यहाँ पर आपको पैन कार्ड ऐड कर देना है। चलिए हम पैन कार्ड अपना ऐड कर देते हैं, सॉरी पैन कार्ड नंबर जो भी है वो आपको पैन नंबर आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पर आपको एड्रेस वो देना है जो आपने गूगल एडसेंस में दिया था, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर देते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों पोस्टल एड्रेस अगर सेम है तो सेम इस पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो अब आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। चलिए हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको यस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद रेसिडेंस एड्रेस वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका कंट्री है वो सेलेक्ट कर लेना है। इंडिया से हम आए तो इंडिया सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर सर्विसेज पर सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 सेलेक्ट करना है। यहाँ पर विथ होल्डिंग रेट 0% यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। चलिए हम टिक कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेंशन पिक्चर्स एंड टीवी रॉयलिटी, यहाँ पर आर्टिकल 12 विथ होल्डिंग 15%। फिर यहाँ नीचे में जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर भी आपको टिक कर देना है। चलिए हम टिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर अदर कॉपीराइट जो इस पर भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आर्टिकल 12 पैराग्राफ 2A फिर विथ होल्डिंग 15%, फिर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। चलिए हम क्लिक करते हैं।
यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर टिक कर लेना है, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, आई एक्सेप्ट द पर क्लिक करके नेक्स्ट करना है। इसके बाद कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आई कन्फर्म दैट पर क्लिक कर लेना है, इसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद यस आई एम द इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट का एक ऑप्शन नीचे में शो करेगा, आपको सबमिट पर क्लिक कर लेना है। चलिए हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह का पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो भी आपने एड्रेस वगैरह जो भी आपने भरा था, तो यहाँ पर हम चेक कर लिए हैं मेरा सब कुछ सही है। इसके बाद दोस्तों आपके ईमेल पर भी भेज दिया जाएगा टैक्स इन्फो का, ठीक है, तो आप ईमेल पर भी आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों आपको सही सही फिल करना है, नहीं तो फिर आपको पेमेंट रिसीव करने में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर यदि आपने सही सही से फिल कर दिया है तो ये 24 घंटा के अंदर में आपका अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। थैंक यू।